एक बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस मूवी रिलीज हो चुकी है और ये हॉरर है और मूवी का नाम है लॉन्ग लेग्स। चलो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं बिना देर करे, और चिंता की बात कोई नहीं, इसमें कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं। तो बेसिक प्लॉट या कहानी की बात करूं तो ये कहानी एक FBI एजेंट की, जिसको बहुत सारे स्ट्रेंज और क्रीपी टाइप के क्लूज मिलते जाते हैं तो उसको डिस्कवर करना स्टार्ट कर देती है। पर वो स्ट्रिंग ऑफ मर्डर से कनेक्टेड है, एक घर में मर्डर हो रहा है और वैसा ही मर्डर सेम टाइप का दूसरी फैमिली में भी हो रहा है। वो सॉल्व करती जाती है और ऐसे उसको ये पता चलता है कि वो क्लूज कहीं ना कहीं उसके चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड हैं। कहानी सुन के आपको मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर लग रही होगी, पर एक सरप्राइज भी है जो इसको थोड़ा हॉरर एलिमेंट भी देता है। मूवी में मेन स्टार के नाम पे निकोलस केज हैं, जिनको आप सब लोग जानते हो, और इस मूवी में वो विलन प्ले कर रहे हैं। और क्या स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी, जब भी मूवी आपको स्लो बोरिंग और ऐसी लगने लगेगी इसमें कुछ हो नहीं रहा है, वो आके स्क्रीन में एकदम जान डाल देते हैं। ऐसा लगता है कि मूवी एकदम से बाउंस बैक कर गई। निकोलस केज का जो मेकअप किया गया इतना तगड़ा है कि आप रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते हो थ्रू आउट द मूवी कि ये आदमी निकोलस केज ही है। अब मूवी की जो मेन लीड है, मुझे लगता नहीं शायद कि आप लोग इनको जानते होंगे, इनका नाम है माइकल मॉनरो और इनका काम भी ठीक लगा एज प्रोटैगनिस्ट। मूवी बेसिकली ऐसी चलती है जैसे एक फ्लैट लाइन चल रही है पूरे टाइम, वो बीच बीच में जंप आते रहते हैं। तो इस हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि मूवी आपको फन लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि मूवी आर्टिस्टिक थोड़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से कुछ शॉट्स बहुत देर तक वहीं पे टिके रहते हैं और जो कि जल्दी कट किए जा सकते थे। मतलब अगर मूवी को 15-20 मिनट कट कर दिया जाए तो मूवी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती। और स्लो होना कभी कभी अच्छा लगता है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, पर यहाँ पे स्लो की जगह मूवी बोरिंग वाले फेज में भी चली जाती है तो वहाँ पे आप एकदम से मूवी से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। पर जब बीच बीच में बाउंस करती है जैसा कि मैंने बताया, तो आपको लगता है क्या मास्टरपीस बना दिया है। और स्पेशली जब आप थर्ड एक्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि माइंड ब्लो तो हो ही रहा है जो मिस्ट्री सॉल्व हो रही है उनके साथ, पर साथ ही साथ आपको एक अजीब सी क्रीपी डरावनी फीलिंग आने लग जाएगी। ओवरऑल लॉन्ग लेग्स मुझे ऐसी मूवी लगी कि जो एक बार देखी जा सकती है, वन टाइम के लिए सही है अगर आपको मिस्ट्री हॉरर मूवीज पसंद हैं, पर एट द सेम टाइम आपको स्लो मूवीज झेलना भी आना चाहिए। तो इस मूवी को मैं रेट करूंगा 6.7 out of 10। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉच।